हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है ये जो प्लेट्स हैं ये मेरे मामा ने मेरी अम्मी को दिया था। अब ये खाने लायक नहीं बची है, लेकिन अम्मी इनको फेंक नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इनको हम अमर कर देते हैं। मैं इसको अपने घर के लिए एक वॉल डेकोर बनाऊंगी। तो इस प्लेट को सबसे पहले गाइस मैंने जैसे अप्लाई कर लिया था और मैंने स्पंज की हेल्प से अप्लाई किया था। 203 मिनट में आपका ये जो जैसो है सूख जाता है। अब हम पेंसिल की हेल्प से इस पर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको गाइस डिज़ाइन समझ में नहीं आता है तो आप अपने फ़ोन में पिंटरेस्ट नाम की एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रेफरेंस मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर पेस्ट बनाएंगे वॉल पुट्टी, थोड़ा सा फेविकोल। अब यहाँ पर आपको कोई नापतोली नहीं करनी है, बस एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब हम घर पर ये कोन बना लेंगे। आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है, बस इसको इस तरीके से राउंड राउंड करना और सेलो टेप की हेल्प से इसको स्टिक कर दें। मेरे पे नहीं थी तो मैंने यहाँ पे डबल साइड टेप का यूज़ किया था। तो अब हम इसके अंदर फिल करेंगे स्पून की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको फिल करने के लिए स्पून को आगे की ओर प्रेस करना होगा, क्योंकि आप एंड देन उसके बाद यहाँ पर फोल्ड करके इसको एक कोन के शेप दे देना होगा। तो यहाँ पर अभी देखो ये बारीक निकल रहा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो टेक्स्चर आर्ट है वो थोड़ा बारीक लगे, तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया। अब देखिए गाइस जो मैंने ड्रॉ किया था मैं इस पर इसको अप्लाई कर दूंगी। तो गाइस पूरा अप्लाई होने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा शेड दे दूंगी एंड कलर कर दूंगी। कलर यहाँ पर मैंने ब्लू पिंक एंड वाइट को बना के ये डार्क पिंक बनाया था। तो सबसे पहले मैंने डार्क पिंक लिया, उस पर थोड़ा सा वाइट का शेड दे दिया। कलर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मुझे जो समझ आ रहा था और जो मेरे पास कलर अवेलेबल थे मैं उससे ही बना रही थी। और आपको पता है गाइस कलर करना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की नीड है। पहले तो गाइज मेरे डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तो ऐसा है कि मेरे सब्सक्राइबर जो थे उसमें से भी कम हो रहे, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और अब मैं आपको हर हफ्ते एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और वीक में मैं 3 शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ गाइज अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये अभी इतनी गंदगी से हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम इसको सफाई से इसके चारों बैकग्राउंड इसका लाइट शेड में देना था मुझे। और यहाँ पर हमने यहाँ पर ये पैरेट कलर यूज़ किया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे। अब इसको हम अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर ना मैं स्पंज की हेल्प से, क्योंकि जब हम ब्रश से कलर करते हैं तो ब्रश के निशान रह जाते हैं और मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं स्पंज की हेल्प से इसको ऐसे क्लीन कर रही थी थोड़ा सा टेक्स्चर लुक देने के लिए। कंप्लीट हो गया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक स्केच से इसकी आउटलाइन कर दी थी। और आउटलाइन करने के बाद ना ये शेडो लग रहा था जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स इसको डेकोरेट किया और ये मेरी मम्मी की जो प्लेट है अमर हो चुकी है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। रिएक्शन में उनका नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और अम्मी की भी तबीयत ख़राब है। सेकेंड प्लेट मैंने ये डेकोरेट करी थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। अभी हमारे घर के जो पेंट है मैंने उसके अकॉर्डिंग किया था, आप उसके अकॉर्डिंग कैसा लगा मुझे जल्दी से नीचे कमेंट में बताना। और जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपको मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, नेक्स्ट हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी।